Hello students, good morning. Welcome to SIS online classes. Students, we were reading chapter 2nd, The Witches of our English literature book as we said. And in this chapter 2nd, we have read first 2-8 stanzas of this chapter in our last video. And today we are going to read next stanzas of this chapter. So all students, with special in your class and listen to my words clearly. Students, we have read in this chapter that this story is based on the witches. It is a story of witches based विच मीन बैड मेजिशंस पे बेस्ड है बुरी शक्तियों पे बेस्ड है हमारी ये स्टोरी द विच इस दी विचिस इट्स मीन चूहेली ओके तो स्ट्रेंथ ये जो हमारा चैप्टर है इस चैप्टर में स्ट्रेंथ हम वी हैव रीड दैट इन दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में एक एट ईयर्स ओल्ड का एक लिटिल बॉय है एट ईयर्स ओल्ड का ओके okay, जो इंग्लैंड में रहता है बट उसके जो ग्रांड माँ है दादी माँ है वो नॉर्वे के ओशो में रहती हैं तो ये बच्चा एट ईयर्स ओल्ड का जो लिटिल बॉय है टर है वो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी दादी माँ के आ, आता है नॉर्वे में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए और क्रिसमस सेलिब्रेशन के बाद जब ये बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ अपने होम के लिए कम बैक कर रहा होता है वापस अपने घर जा रहा होता है इंग्लैंड में क्योंकि ये बच्चा इंग्लैंड में रहता था अपने पेरेंट्स के साथ ओके okay, तो क्या होता है कि इनकी जो कार होती है वो स्कीड ऑफ कर जाती है इट्स मीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है स्लाइड साइड अवे इन एन अनकन्ट्रोल वे इट्स मीन रॉन्ग वे पर चली जाती है ओके okay. और फिर क्या होता है टब्लिक डाउन करते हुए एक रॉकी रेविन में चली जाती है रॉकी रेविंग इट्स मीन डीप नैरो वैली विथ स्टेप साइड गहरी सकड़ी घाटी स्टेप साइड्स के साथ ओके okay. तो एक बहुत ही गहरी सकड़ी खाई में वैली में इनकी कार चली जाती है एक एक्सीडेंट हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा बैडली uh, और फिर क्या होता है कि इसके जो पेरेंट्स होते हैं इस बच्चे के वो एक्सपायर हो जाते हैं इस एक्सीडेंट में ओके okay, मर जाते हैं और ये जो बच्चा होता है चूँकि कार की बैक सीट पे बैठा होता है तो इसके फोर हैड पर इट्स, इट्स मीन इसके माथे पे सिर्फ थोड़ा सा चोट आती है थोड़ी सी कट का साइन आता है बस और ये बच्चे को कुछ नहीं होता है इसको ज़्यादा चोट नहीं आती बट ये ट्रेजिडी होती है कि इसके पेरेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं इस एक्सीडेंट में बच्चा चूँकि बहुत छोटा है और इसके साथ इतनी बड़ी बड़ी ट्रेजिडी हुई है तो उसे खुद को संभालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है तो बच्चा ये जो है अपनी दादी माँ के वापस आता है और दादी माँ के गले में लग कर इट्स मीन दादी माँ को अपने गले से लगा के पूरी रात रोता रहता है और उसकी दादी माँ भी रोती रहती है ओके okay, चूँकि अब दादी माँ के अलावा इस बच्चे का को कोई भी नहीं है तो दादी माँ इससे कहती है कि अब तुम यही रहोगे मेरे साथ मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी ओके okay, अब तुम वापस इंग्लैंड नहीं जाओगे तो बच्चा पूछता है क्या अब मैं इंग्लैंड नहीं जाऊँगा तो दादी माँ कहती नहीं अब तुम यही रहोगे मेरे साथ ओके और तुम इंग्लैंड कभी नहीं जाओगे और Uh, मैं अगर हेवन में भी चली जाऊँ इट्स मीन स्वर्ग में भी चली जाऊँ मर भी जाऊँ ना तभी मैं नॉर्वे में रहना चाहती हूँ इट्स मीन मेरी जो बोन्स हैं वो नॉर्वे में ही रहेंगी मतलब मरने के बाद में भी हम नॉर्वे में ही रहना चाहते हैं ओके okay? तो दादी माँ बोलती है फिर द वेरी नेक्स्ट डे इट्स मीन नेक्स्ट डे के बाद में भी नेक्स्ट डे बहुत दिनों बाद क्या होता है कुछ टाइम्स बाद कुछ दिनों बाद चूँकि चु, बहुत बड़ी ट्रेजडी हुई होती है तो ग्रांड माँ तो चूँकि ओल्ड हैं तो उन्होंने तो ख़ुद को जैसे तैसे संभाल लिया बट जो बच्चा है वो अभी एक तो बहुत ही कम है जो उसकी उसके बाद साथ इतनी बड़ी टेजी हुई है तो दादी माँ उस बच्चे को उस ग्रेट सैडनेस से उस बड़ी दुख से बाहर निकालने की कोशिश करती है उसे स्टोरी टेलिंग करती है इट्स मीन उसे कहानियाँ सुनाती हैं ओके तो दादी माँ उस एक दिन क्या होता है कुछ दिनों बाद उसे स्टोरी टेलिंग कर रही होती है ओके और चूँकि बच्चों दादी माँ है ना ग्रांड बहुत ही वंडरफुल स्टोरी टेलर है बहुत ही अद्भुक कहानी सुनाने वाली बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली और जो बच्चा है वो बहुत इंट्रेलिड है उनके द्वारा सुनाई गई कहानियों के कहानी में इट्स मीन बहुत ही इंटरेस्टेड और अटेंटिव है बहुत ही मतलब एक्साइटेड है बहुत ही ध्यानपूर्वक का, उनकी कहानी को सुन रहा है रुचि ले रहा है उस कहानी में इंटरेस्ट ले रहा है ओके तो स्टूडेंट फिर क्या होता है कि जब दादी माँ कहानी सुना रही होती तो दादी माँ बताती कि ये जो पहले बच्चा कहता है कि जो स्टोरी पे तब तक उसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जब तक कि दादी ने स्टोरी का सब्जेक्ट नहीं बताया ओके जब जैसे ही दादी ने उसका स्टोरी का सब्जेक्ट बताया कि जो स्टोरी है वो स... उसका सब्जेक्ट विचिस है इट्स मीन की स्टोरी जो मैं सुनाने जा रही हूँ ये विचेस पे वेस्ड है चूड़ेलों पे वेस्ड है ओके तो जैसे ही ये बताती है तो बच्चा थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है तो बच्चा जो एट ईयर्स ओल्ड का जो लिटिल बॉय है वो पहले इतना एक्साइटेड नहीं था और जैसे ही स्टोरी के सब्जेक्ट के बारे में उसे पता चला कि ये स्टोरी डिविच्स पे बेस्ड है तो वो तब वो एक्साइटेड हो गया ओके okay, तो दादी माँ कहती है कि दादी माँ चूंकि इन जो क्रिएचर्स थे इन इन तरह के जीवों के लिए बहुत ही इन तरह के जीवों के बारे में बहुत ही अच्छी ग्रेट एक्सपर्ट थी ओके okay, बहुत ही महान विशेषज्ञ थी इन सब के बारे में बहुत अच्छे से जानती थी डिविच्स के बारे में तो सब्जेक्ट जान के बाद बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया ओके okay, तो दादी माँ बोलती है कि ये कोई फेक स्टोरी नहीं है ना कोई अमेजिंग स्टोरी जो मैं सुनाने जा रही हूँ ये एक रियल स्टोरी है सच की घटना है और ये बुरा है बहुत बुरा है या बहुत बहुत बुरा है कि जो विचेस होती हैं जो चुड़ैली होती है वो हमारे साथ रहती हैं ओके okay, वो हमारे चारों तरफ रहती है इस पर विश्वास भी किया जा चुका है और तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुननी चाहिए और तुम्हें याद रखना चाहिए ओके okay, तुम्हें याद रखना चाहिए इन सभी बातों को जो मैं बताने जा रही हूँ और तुम्हें स्टोरी जब तुम लिसन कर लोगे सुन लोगे जब हम स्टोरी फिनिश कर लेंगे ना तो हमें एक क्रॉस का साइन बनाना है अपने हार्ट के पास हैंड के ऊपर हैंड रख कर इट्स मीन जैसे क्रिश्चियंस लोग प्रेयर टाइम अपने जो पोजीशन लेते हैं ना सेम वही पोजिशन हमें लेनी है स्टोरी लिसन करने के बाद इट्स मीन जब मैं स्टोरी आ, टेल कर दूंगी स्टोरी सुना दूंगी और जब आप स्टोरी लिसन कर लेंगे मतलब जब स्टोरी फिनिश हो जाएगी तो हमें अपने हार्ट के ऊपर लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखना है और एक क्रॉस का साइन जैसे बनाना है जैसे क्रिश्चियंस लोग जैसे हम लोग प्रेयर टाइम क्या करते हैं अपने हैंड्स को ज्वाइन करते हैं वैसे क्रिश्चियन लोग प्रेयर टाइम गॉड से प्रेयर करते टाइम एक क्रॉस का साइन बनाते अपने हार्ट के पास तो स्टोरी फिनिश होने के बाद हमें वही किस्म हम करना है गॉड से प्रेयर करने कि वो सब कुछ अच्छा करें ओके okay? सब कुछ वो अच्छा करें यही गॉड से प्रेयर करनी यही आशा करनी कि सब कुछ अच्छा हो क्लियर तो दादी माँ इतना बताती है उसके बाद जब क्योंकि ये जो ब्रांडमा और जो लिटिल नारेट लिटिल बॉय है इट्स मिन है ये ओशियो नॉर्वे के ओशियो में है उनके लिविंग रूम में है ओके अपनी दादी माँ के लिविंग रूम में है और ये बैठ के लिए रेडियोरेट्स मिन अपने बिस्तर में जाने के लिए तैयार होता है नाइट टाइम है तो उस हाउस में कभी भी सर्टेस नहीं लगाए होते मीन पर्दे कभी भी नहीं लगाए गए होते तो वो विंडो से वो बच्चा देख सकता दे, देख सकता था कि जो स्नो फ्लैक्स है मीन बर्फ़ की जो चट्टानी थी जो बहुत ही वाइट होती लेकिन इतना डार्क नाइट था इतना ही ज़्यादा अंधेरा था बाहर कि वो जो स्नो फ्लेक्स थी वाइट कलर की बर्फ की चट्टाने थी वो आ, डार्क नाइट की वजह से ज़्यादा अंधेरे की वजह से वो एक टार की तरह लग रही थी दी मीन ऑफ टार इज़ अ थिक ब्लैक स्टिकी लिक्विड दैट बिकम्स हार्ड वैन कोल्ड ऑपटेन फ्राम कोल्ड एंड इस यूज स्पेशली इज मेकिंग रूड एक पतला काला हार्ड सा लिक्विड तरल पदार्थ होता है जो ठंडा होने के बाद तरल हो जाता है और मतलब कोल से बना होता है कोले से बना होता है और स्पेशली यूज़ किया जाता है रोड बनाते टाइम ओके आपने देखा भी होगा जब रोड बनती है ना तो वो टार ब्लैक कलर का डाला जाता है वो कोयले का बना होता है तो वो जो स्नो फ्लैक्स थे बर्फ की जो चट्टाने थी जो नीचे गिर रही थी ओके तो धीरे धीरे नीचे गिर थे वो सेम उसी टार की तरह लग रही थी ओके तो जो ग्रैंड मदर होती है ना तो स्टूडेंट वो बहुत ही बूढ़ी होती हैं ओके इट्स मीन बहुत बूढ़ी है और इनकी विंकल्ड है झुरियाँ हैं ओके और जो बच्चा वो, जो है वो सिर्फ सेवन ईयर ओल्ड का है बच्चा बता रहा है और उसके बाद जो बच्चा है ना तो वो उस अपनी दादी माँ के पास में जाके क्राउज तो okay, में बैठ जाते हैं इस मीन एक पोजीशन लेते हैं क्राउज की मतलब पुट द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड बाय बाई द लेग्स एंड हैंड ओके ग्राउंड में बैठना ज़मीन पे बैठना फ्लोर पे और एक बाउंडिंग बनाना लेग्स और हैंड की एक बैंडिंग बनाना तो उसी पोजिशन में बैठ जाते जैसे हम कभी कभी बैठ जाते हैं फ्लोर पर जो हमारे नीज होते हैं ना वो हमारे फेस के पास थोड़ा सा आ जाते हैं तो सेम वही पोजिशन में वो बैठ जाता है अपनी दादी माँ के पैरों के पास बैठा है उसकी दादी माँ पैजामा गाउन और स्लीपर्स पहने हुए ओके तो फिर दादी माँ कहती है कि मैं तुम्हें पाँच बच्चों के बारे में बताने जा रही हूँ जो इस अर्थ से इस पृथ्वी से ना विनिस्ड हो गए डिसअपियर्ड हो गए गायब हो गए एकदम से फिनिश हो गए इट मीन गायब हो गए ओके यहाँ से इस अर्थ में बिल्कुल इस अर्थ से बिल्कुल ही डिसअपियर्ड हो गए ओके इस अर्थ में पूरी जगह पर कहीं भी नहीं है ओके तो ये जो विचेस है वो उनको लिए कि कई तो जब बच्चा कहता है आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं दादी मैं कहती नहीं बच्चा मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रही मैं सिर्फ तुम्हें ये स्वीकार करना चाहती हूँ ये निश्चित करना चाहती हूँ कि आई लव यू एंड आई वॉन्ट टू स्टे विद मी मैं आपसे प्यार करती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें और वो गलती कभी ना करी जो उन पांच बच्चों ने की थी ओके तो बच्चा कहता है कि अच्छा मुझे बताइए कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ था ओके कैसे वो डिसअपेयर्ड हो गए कैसे गायब हो गए तो दादी माँ बता दी जो फर्स्ट बच्चा था उसका नाम रैंगल था और वो एट ईयर ओल्ड की एक गर्ल थी जो अपनी लिटिल सिस्टर के साथ एक लॉन में, में, में अपनी लॉन में सारे बड़े घास के मैदान में अपने घर के बाहर खेल रही थी और उसकी जो माँ थी वो किचन में ब्रेड बना रही थी रोटियाँ सेक रही थी और वो क्योंकि किचन में थोड़ा सा हॉट वेदर होता है इसमें तो गर्मी तो लगती है क्योंकि तो गैस जलती है ओके तो वो जो माँ होती है उसकी तो वो बाहर थोड़ा सा हवा लेने के लिए खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर आती है तो वो पूछती है उस लिटिल सिस्टर की सिस्टर से रैंगल की लिटिल सिस्टर से वो आस करती है कि रैंगल कहाँ है वेट्स रैंगल तो उसकी लिटिल सिस्टर जो होती है रैंगल की छोटी बहन होती वो कहती है कि वो तो चली गई रैंगल तो चली गई एक टॉल लेडी के साथ एक लंबी औरत के साथ तो माँ कहती है कि वॉट टॉल तो लेडी कौन सी लंबी औरत क्या लंबी औरत ओके कौन सी लंबी औरत तो जो लिटिल सिस्टर है तो वो आंसर करती है ये जो जो रेंगिल्ड है ना तो एक टॉल लेडी आई थी जो वाइट कलर की ग्लव्स पहने हुए थी ओके और तो रेंगल चली ओके नाउ वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट दिसकेट देश इन वाइट लिटिल सिस्टर सैड तो छोटी बहन ने इसकी कहा रेंगल की छोटी बहन ने कहा कि टॉल लेडियस में लंबी औरत सफ़ेद कलर के दस्ताने पहने हुए थी ओके सी टुक रेंगिल बाय द हैंड एंड लेड हर अवे ओके तो उसने रेंगिल के हाथ को पकड़ा और उसे लेके चली गई ओके नो वन माई मदर सैड एवर सार रेंगिल अगेन ओके नो वन माई ग्रैंड मदर सैड एवर सार रेंगिल अगेन तो मेरी दादी माँ ने कहा उसके बाद से ना रेंगिल को कभी भी नहीं देखा गया वॉट हैपन टू द अदर फोर चिल्ड्रेन आई एक्स तो मैंने पूछा कि दूसरे चार बच्चों के साथ क्या हुआ दिस सेकेंड वन वॉज़ वेरी पैक्यूलियर माई ग्रैंड मदर साइड तो मेरी ग्रांड मदर मेरी दादी माँ ने कहा जो सेकंड है ना वो थोड़ा सा पैकुलियर है हेयर मीन ऑफ पैकुलियर दैट स्ट्रेंज अन फैमिलियर और अ लिटिल सरप्राइजिंग मतलब जो स्टोरी है सेकेंड बच्चे बच्चे की सेकेंड नंबर चाइल्ड की जो स्टोरी है वो थोड़ी सी स्टैंड अन फैमिलियर और लिटिल सरप्राइजिंग इट्स मीन अजिनबी अपरिचित और थोड़ी सी आश्चर्यचकित कर देने वाली है मेरी दादी माँ ने कहा देर अ फैमिली कॉल्ड क्रिश्चियंस एक फैमिली थी जिसका नाम था क्रिश्चियंस ओके क्रिश्चियंस फैमिली थी दे हैड एन ओल्ड पेंटिंग सॉरी दे हैड एन ओल्ड ऑयल पेंटिंग इन द लिविंग रूम उनके जो लिविंग रूम में एक पुरानी ऑयल पेंटिंग थी विस दे वर वेरी प्राउड ऑफ ओके ऑयल पेंटिंग स्टूडेंट उसे बोलते हैं जो क्या कहते हैं ऑयल से बनी होती है ऑयल पेंटिंग मीनस होता है अ पिक्चर पेंटेड विथ ऑयल पेंट्स एक ऐसी पिक्चर एक ऐसी तस्वीर जो ऑयल पेंटिंग से बनी हुई होती है उसे बोलते हैं ऑयल पेंट से बनी हुई होती है उसे बोलते हैं ऑयल पेंटिंग ओके okay. तो वो जो क्रिश्चियंस फैमिली थी उन्हें उस पेंटिंग पर बहुत ही प्राउड था बहुत ही अभिमान था गर्व था उस पेंटिंग पे द पेंटिंग ऑट सम डक्स इन द यार्ड आउटसाइड फार्मर्स जो पेंटिंग थी ना तो उसमें कुछ बतके थी उसके कुछ आ, डक्स का कुछ बतकों का उसमें पिक्चर था ओके तो इट्स मीन वो पेंटिंग इतनी अच्छी थी इतनी सुंदर थी क्रिश्चियस फैमिली को उस पर अभिमान था गर्व था उस पेंटिंग पर ओके बहुत ही ओल्ड पेंटिंग थी और उस पेंटिंग में फार्म हाउस के बाहर का जो बाड़ा था वहाँ कुछ डक्स थी ओके okay, कुछ बत्तखें थी ओके okay, फिर क्या होता है कि कुछ बतके थी और क्या था उस पेंटिंग में कि दे हैड एन ओल्ड ऑयल पेंटिंग इन द लिविंग रूम विच वर वेरी प्राउड ऑफ द पेंटिंग सोट सम यार्ड आउटसाइड हाउस दे आर वर नो पीपल इन देंटिंग कोई भी लोग वहाँ कोई भी पर्सन उस पेंटिंग में नहीं था इट्स मीन सिर्फ डक थी जस्ट ऑफ ऑन फॉर्म यार्ड एंड द फॉर्म हाउस इन द बैकग्राउंड ओके जस्ट ऑफेंट होते हैं बतकों का एक समूह बतकों का एक झुंड ओके तो वहाँ सिर्फ एक बतकों का झुंड था ओके ग्रेसी फार्म हार्ट इट्स मीन की वहाँ पर जो हरा भरा था उस पेंटिंग में वहाँ पर सिर्फ डग का एक झुंड था और पीछे के हिस्से में फॉर्म हाउस था ओके फिर क्या होता है पीछे किसी में वहाँ एक फॉर्म हाउस होता है लेक्सिन एक्सटेंजर वेल वन डे डियर डॉटर सॉल्वेज कम सॉरी केम होम फ्रॉम स्कूल ईटिंग एन एप्पल तो एक दिन क्या होता है अच्छा एक दिन क्या होता है कि उनकी जो डॉटर होती है जो इट्स मीन जो क्रिश्चियन फैमिली होती है ओके okay, जो उनके मदर फादर डॉटर होंगे ना तो वैसे जो क्रिश्चियन फैमिली की जो डॉटर थी बेटी थी उसका नेम था सॉलवेज ओके तो जब वो स्कूल से एक दिन वापस आ रही होती तो वो एक एप्पल खा रही होती स्कूल से वापस आके उसने एक एप्पल खाया ओके तो क्या होता है कि जो सॉल्वेज है तो वो स्कूल एक दिन उसने स्कूल से आकर एक एप्पल खा रही थी तो उसने उन्हें जो सी सैड नाइस लेडी गिवन इट टू हर ऑन द स्ट्रीट इट्स मीन स्ट्रीट मीन्स होते रास्ता मार्ग या सड़क ओके या गली भी बोल सकते तो उसने कहा कि एक अच्छी औरत ने नाइस लेडी इट्स मीन अच्छी औरत ने उसे वो एप्पल गली में खाने के लिए दिया ओके okay. तो नेक्स्ट मॉर्निंग लिटिल सॉल्वेज वाज नॉट इन हर बैड तो अगली सुबह जो लिटिल सॉलवेज थी छोटी सी सॉलवेज थी ओके okay. वो अपनी बेड में नहीं थी इट्स मीन बेड मीन बिस्तर में नहीं थी देन ऑल ऑफ अ सडन हर फादर साउटेड ओके तो क्या हुआ तभी एकदम से उसके पापा चिल्लाए ओके okay. तो वॉट साउट क्या चिल्लाए तो लुक ले डेट उसके फादर चिल्लाते हैं इसके पिताजी कहते हैं देयर सी इज दैट सॉल्वेज फीडिंग द डक्स ओके तो ही वाज पॉइंटिंग एट द ऑल पॉइंटिंग एंड श्योर इनफ सॉल्वेज वाज इन इट इट्स मीन उनके पापा जो जो होते हैं उनके पिताजी होते वो चिल्लाते वो रही वहाँ देखो को डक्स को कुछ डाल रही इट्स मीन डक को कुछ दानी डाल रही okay. है ओके तो उनके पिताजी चिल्लाते दी फादर रस्ट अप टू द पेंटिंग एंड ट फादर रस्ट अप इट्स मीन दॉडी ओके तो जो उनके पिताजी थे वो ऑयल पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि मतलब देखो सॉल्वेज डक्स को खाना दे रही है मतलब दाना दे रही है उन्हें खाने के लिए और उन्होंने ऑयल पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा और सॉल्वेज वहाँ थी ओके okay, वो फॉर्म यार्ड में खड़ी थी और बास्केट में से डक्स को ब्रेड निकाल के दे रही थी ओके सो सी वार स्टैंडिंग इन द फॉर्म इन द एक्ट ऑफ थ्रोइंग बैड टू द डग आउट ऑफ अ ब्रेड द फॉर द डू द पेंटिंग एंड टी इट्स मीन कि वहाँ वो वहाँ जो सॉल्व थी वो फॉर्म यार्ड में खड़ी थी और बास्केट में से डक्स को ब्रेड निकाल के इट्स मीन दाने निकाल के वो आ, डाल रही थी आ, डक्स को खिला रही थी इट्स मीन उसके पास ना तो उसके फादर आ, उसके पास दौड़े और उन्होंने उसे टच किया लेकिन बट डिड नॉट हेल्प इट्स मीन इसका कोई मतलब नहीं निकला ओके सी सिंपली अ पार्ट ऑफ द पेंटिंग जस्ट अ पिक्चर पेंटिंग ऑन द कैनवास सी द मीन ऑफ कैनवास पीस ऑफ क्लोथ अ पेंटिंग इज मेड ऑन कपड़े का एक टुकड़ा जिस पर पेंटिंग की हुई पेंटिंग बनी हुई थी ओके okay. कपड़े का एक टुकड़ा जिस पर पेंटिंग बनी हुई हो उसे बोलते हैं कैनवस ओके okay. तो सिर्फ अब वो एक पेंटिंग में चली गई थी इट्स मीन यह सिर्फ पेंटिंग का एक हिस्सा बन चुकी थी जो कि कन्वेस पर ओके okay. जो ये कैनवास है उस पे, आ, पर कैनवास पर पिक्चर थी उसका एक भाग बन चुकी थी ओके okay. मतलब जो सॉल्व थी वो सिर्फ एक पेंटिंग का पार्ट बन गई थी उस कैनवेस का एक पार्ट बन गई थी ओके पेंटिंग में चली गई थी वो रियल में नहीं दी दैट्स टू यू हैव टोल्ड मी अबाउट आई सेट तो मैंने कहा कि आपने मुझे दो के बारे में बताया ओके वॉट हैबिन टू द थर्ड वन तीसरे के बारे में क्या है इट्स मीन तीसरे वाले के साथ क्या हुआ ओके द थर्ड वन वॉज लिटिल ब्रजिट स्वेंसन माई ग्रैंड मदरस एट मेरी ग्रैंड मदर एट्स मीन मेरी दादी माँ ने कहा तीसरा जो था ना उसका नेम था ब्रिगिट सेवेंसन ओके okay. इसका नेम था जो थर्ड नंबर का चाइल्ड था वन डी सी स्टार्टेड ग्रोइंग फीजर्स ऑल ओवर हर बॉडी ओके okay. एक दिन इट्स में इस जो हमारा थर्ड नंबर का जो चाइल्ड हुडियड हो गया था अर्थ से वो एक गर्ल है ओके okay. इसका नेम है ब्रिगेड सेवनसन ओके okay. तो एक दिन उसके जो बॉडी उसके पूरी बॉडी में से फीदर्स आने लगे फीदर्स मिस होते पंख ग्रोइंग मिस होते निकलना उगना तो उसकी पूरी बॉडी से फीदर ग्रोइंग करने लगे इट्स मीन पंख निकलने लगे पंख उगने लगे विद इन अ मंथ्स सी अ लार्ज वाइट चिकन ओके तो एक महीने के अंदर वो एक बड़ी सफेद uh, मुर्गी के बच्चे की तरह मतलब बन गई मुर्गी के बच्चे की में परिवर्तित हो गई चिकन ओके हर पेरेंट्स हर फॉर इयर्स इन अ पेन इन द गार्डन सी एवन लेट एक्स ओके हेयर द मीन ऑफ पैन अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड इन क्लोज बाई अर फैंस टू की मतलब लैंड का भूमि का एक छोटा हिस्सा हिस्सा ओके okay. जिसमें फॉर्म एनिमल्स को रखा जाता है वो बोल सकते हैं हम पेन बी ई एन पेन ओके okay. तो कुछ इस, तो जो उनके जो पेरेंट्स थे ओके जो बेगेट सेवेंस के जो पेरेंट्स और बी जो सेवेंसन है वो एक लार्ज वाइट चिकन में टर्न हो चुकी है बदल चुकी है तो उसके पेरेंट्स ने क्या किया उसे एक पैन में कुछ सालों तक ही रखा ओके तो उसके पेरेंट्स उसे कुछ साल होता है उस पैन में रखते हैं ओके okay, और वो अंडे भी देती थी ओके okay? uh, तो व्हाट कलर सैक्स आई सेड तो मैंने कहा किस कलर के अंडे तो टर्न योर पेज उसमें एंड लुक एट द पेज नंबर सेवनटीन नाउ वी आर गोइंग टू रीड नेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर ओके ब्राउन वंस माय ग्रांड मदर सेट तो मेरी ग्रांड मदर इट्स मीन मेरी दादी माँ ने कहा ब्राउन वंस ब्राउन मीस भूरे वंस मीस वाले ब्राउन वंस इट्स मीन भूरे वाले व्हाट हैपेंड टू द फोर्थ चाइल्ड आई आस्क मैंने पूछा कि चौथे बच्चे के साथ क्या हुआ दी फोर्थ वॉज अ बॉय कॉल्ड हैरल्ड माई ग्रांड मदर सेट ओके तो मेरी दादी माँ ने कहा जो फोर नंबर का जो बॉय था ना अब फोन नंबर का जो चाइल्ड है वो एक बॉय है उसका नीम था हेरेडल ओके हैरेल्डल्ट तो हेरेडल नाम का एक फोर्थ नंबर का बॉय था वन मॉर्निंग हिट स्किन वेंट ऑल ग्रे सियालो दैन इट बिकेम हार्ड एंड क्विकली लाइक द सेल ऑफन नेट बाई इवनिंग द बॉय है तो एक सुबह क्या होता है जो उसकी स्किन होती है त्वचा तो होती है वो ग्रेस यो होने लगती है इट्स मीन भूरी पीली होने लगती है okay. ओके और क्या होता है वो देन इट बिकेम हार्ड और वो कठोर टिकली मीन्स होते चटकी हुई या टूटी हुई लाइक द सेलोफानेट सेलोफानेट मीन्स होते हैं अखरोट का छिलका अखरोट का जो आउटसाइड पार्ट होता है ना वैसे बोलते हैं अखरोट का छिलका या अखरोट का खोल बोलते हैं सेलोफानेट ओके तो क्या होता है कि वो आ, उसकी जो बॉडी थी वो ग्रेस येलो हो गई भूरी पीली हो गई और कठोर चटकी हुई हो गई चटकी हुई बन गई जैसे कि एक अखरोट का छिलका होता है उसकी तरह उसकी बॉडी हो गई पीली भूरी पीली और कठोर चटकी हुई एक अखरोट के छिलके की तरह और शाम तक बाई एवनिंग दी बाय हैड टर्न टू स्टोन और शाम तक वो जो बच्चा था ना वो एक स्टोन में टर्न हो गए पत्थर में परिवर्तित हो गए स्टोन आई सेट यू मीन रियल स्टोन तो मैंने कहा पत्थर आपका मतलब है सचमुच का पत्थर असली का पत्थर ग्रेनाइट सेट तो उन्होंने कहा इट्स मीन ग्रांड मदर ने कहा ग्रेनाइट ओके हेयर द मीन ऑफ ग्रेनाइट देख ग्रेनाइट भी एक स्टोन की तरह ही होता है ओके ग्रेनाइट इट मीन्स होता है कि एक प्रकार का कठोर स्फटिक बोलते हैं पत्थर को एक प्रकार की कठोर स्फटिक पत्थर को हम लोग बोलते हैं ग्रेनाइट ओके तो दादी माँ ने कहा ग्रेनाइट ओके गो ऑन ग्रांड माँ आई सेट तो मैंने कहा ग्रांड माँ दादी माँ जारी रखी गो ऑन ओके यू टोल्ड मी देर वार फाइव फॉल्ट टूगेदर वॉट हैपन टी लास्ट वन तो मैंने कहा ओके okay, कि आपने ना पाँच के बारे में बताया था ओके okay, आपने कहा था कि पाँच चिल्ड्रेन है तो लास्ट वाले का क्या हुआ मतलब अभी तो फोर ही हुए हैं ना ओके okay, जो हमारा हैरल्ड था वो तो फ़ोन नंबर का था पाँचवें के साथ क्या हुआ वॉट अबाउट नंबर फाइव ब्रांड हुआ पाँचवें के बारे में क्या है दादी माँ नंबर फाइव सी सेट उन्होंने कहा पांचवा नंबर वाज रैदर एंड इंटरेस्टिंग केस इट्स मीन रैदर मीन्स थोड़ा एंड मीन्स एक इंटरेस्टिंग मीन रुचिकर केस मीन्स विषय या बोल सकते हैं मामला ओके तो नंबर पाँच का जो मामला है ना मतलब जो फाइव नंबर चाइल्ड का जो मैटर है ना केस है ना वो थोड़ा रुचिकर मामला है ओके एंड सॉरी ए नाइन ईयर ओल्ड बॉय कॉल लीव समर होल्ड हॉलीडे विद हिज फैमिली ऑन द रिजोर्ट एंड The whole family was picnicking and swimming off some rocks on one of those little islands. Okay, here the mean of resort that narrow area of sea between high uh, cliffs. Okay, narrow area of sea between high cliffs. Okay, so, तो जो एक नौ साल का नौ साल का एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है लीव. Okay, इसके बारे में ये पांचवा बच्चा जो डिस्ट्रैपियरड होगा उसका नाम है लीव. Okay, नाइन इयर्स का और नाइन इयर्स ओल्ड का है तो स्टूडेंट ये अपनी समर हॉलीडे के दौरान इट्स मीन गर्मी की छुट्टियों के, के दौरान अपनी फैमिली के साथ फिजोर्ट गया होता है इट्स मीन कि फिजोर्ट मीस हो गया ऊँची चट्टानों के बीच समुद्र का सकरा छेद वहाँ पे पिकनिक के लिए गया होते हैं पिकनिक मीन्स होता है वन भोज या उद्यान भोज पिकनिक में जब हम जाते हैं पिकनिक के लिए तो हम किसी गार्डन को जाते हैं तो मोस्टली हम लोग चूज़ करते हैं पिकनिक के लिए ओके okay? तो वन भोज या उद्यान भोज बोलते हैं इन हिंदी तो जो बच्चा है अपनी फैमिली के साथ पिकनिक के लिए गया हुआ है यहाँ पे ऊंची चट्टानों के बीच समुद्र के सकरी क्षेत्र में ओके okay, फिजोर्ट में गया हुआ है ओके okay, फजॉर्ट में जाता है ये बच्चा पिकनिक के लिए और क्या होता है कि एंड स्विमिंग ऑफ सम रॉक्स वन ऑफ लिटिल आइसलैंड इट्स मीन कि छोटे द्वीपों में से एक पर कुछ चट्टानों पर तैरना ओके okay, तो जो बच्चा है यंग ही डाइव्ड इन टू द वॉटर एंड हिज फादर हु वाज वॉचिंग हिम नोटिस दैट ही स्टेड अंडर फॉर एन अनयूजअल लॉन्ग टाइम ओके तो जो यंग लीफ है यंग मीन्स होता है छोटा या नन्ना ओके okay? तो जो नन्ना लीफ है ना नाइन ईयर्स ओल्ड का है तो ऑब्वियसली नाइन ईयर्स ओल्ड के बच्चे छोटे ही होते हैं तो डाइव मीन्स होता है डुबके लगाने इन टू वाटर मीन्स पानी में तो जो यंग लीफ है नन्ना लीफ है ना वो पानी में डुबकी लगाता है डाइव करता है और उसके जो फादर होते हैं वो उसे वॉच कर रहे होते देख रहे होते उन्होंने नोटिस किया ध्यान दिया कि जो लीफ है ना वो यूजली मीन्स होता है असामान्य लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे समय तक ओके okay, वो असमान्य लंबे समय तक पानी के अंदर ही रुका रहा स्टेट मीनस होता है ठहरा ही रुका तो उनके फादर ने नोटिस किया कि वो, वो लंबे समय तक असमान्य लंबे समय तक वाटर के अंदर ही रहा मैन ही केम टू द सर्फेस एट लास्ट ही वॉज नॉट लीव एनी मोर ही वॉज अ परपोज लेकिन जब वह अंत में जब वह सरफेस पर आया इट्स मीन सरफेस में सतह पर आया पानी के ऊपर आया ओके okay, तो क्या हुआ कि वो लीव नहीं था वो क्या हो गया एक परपोइ हो गया इट्स मीन मतलब ही वॉज नॉट लीव एनिमल अब वह एक लीव नहीं था जो हमारा नाइन ईयर्स ओल्ड का बॉय है वो नहीं था वो लीव नहीं था ही वॉज अ परपोइस वो एक पोपोइस था परपोइ मीन्स अ सी एनिमल दैट लुक्स सिमिलर टू अ डॉल्फिन एक समुद्री जानवर जो डॉल्फिन की तरह लगता है ओके okay, जब भी हम वाटर में डाइव्ड करते हैं उसमें डुबकी लगाते हैं तो कैसे करते फर्स्टली इन टू करते मीन उसके अंदर जाते और तुरंत आफ्टर वन ईयर टू मिनट या बोल सकते बहुत आफ्टर सम सेकंड्स सेकेंड्स कुछ सेकेंड्स में के बाद हम क्या करते आउट करते हैं तुरंत हम बाहर निकालते डुबकी ऐसे ही तो लगाते डाइट करते हैं इन टू डर इट फास्टली अप टू ओके पहले अंदर फिर तुरंत बाहर लेकिन जो तो हमारा जो लिटिल लीफ है वो वाटर के अंदर तो क्या लेकिन बहुत समय तक जब वापस नहीं आया ओके okay, और जब लास्ट में बहुत समय बाद वो वापिस आते हैं वाटर के ऊपर जाते हैं पे आते हैं तो वो लीफ नहीं था अब वो लीफ नहीं रहा वो एक पर्पोज बन गया एक समुद्री जानवर बन गया डॉल्फिन की तरह बट मोस्ट टाइम मोस्टियस फर्स्ट वेन दस ओके मोस्ट मीन्स होता है तो वट वाज नॉट देयर अ मोस्ट रिमेंडियस फर्स्ट वेन दिस हैपेंड आई यस तो मैंने पूछा लेकिन जब ऐसा हुआ तो सबसे जबरदस्त उपलब्ध नहीं हुआ क्यों मतलब बहुत ही ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ कि बच्चा वाटर के अंदर डाइप करता है डाइप्ट करता है और बाहर निकलता है तो वो एक बच्चा नहीं रहता है एक पर वोइज बन गया ओके नॉट मच माई ग्रांड मदर है तो मेरी दादी माँ का ने कहा कि नॉट मच इट्स मीन कि इतना ज़्यादा नहीं ओके okay, बहुत ज़्यादा नहीं यू मस्ट रिम्बर दट टू हेयर इन नॉर्वे वी आर यूज टू डेट सॉर्ट ऑफ थिंग्स इट मीन तुम्हें याद रखना चाहिए कि हम नॉर्वे में और नॉर्वे में हम इस तरह की चीज़ों से अभ्य इट्स मीस नॉर्वे में ये सब जो विचेस हैं बैड म्यूजिशियंस है इट मीन ये बहुत ज़्यादा है तो अब तो उन लोगों की हैबिट पड़ चुके ऐसे मामले होते रहते हैं देयर आर विचेज एवरीवेयर यहाँ पे चारों तरफ चुनाल हैं देर आर प्रॉबेबली वन लिविंग इन अवर स्ट्रीट हिज एवरी मोमेंट इट हैज़ टाइम यू सेंट टू बैट ओके सॉरी इट्स अ टाइम यू सेंट टू बैट तो देयर इज प्रोबेबली वन लिविंग इन अवर्स रीट डिस इट्स मीन की हो शायद इसी क्षण हमारी गली में कोई रहता है ओके विचेस की बात कर रही है ओके और इट्स टाइम यू वेंट टू बैट ओके तो अब ना ये तुम्हारे बिस्तर में जाने का समय ओके लुक एट द नेक्स्ट टैंड विच इज लास्ट टैंड ऑफ दिस चैप्टर ओके अ विश वुड नॉट कम इन थ्रो माई विंडो इन द नाइट वुड सी आई आस्ट कैकिंग रिलेटेड ओके क्वैकिंग मीन अस्टेंट होते हैं काँपते हुए क्वैकिंग अलमी थोड़ा ओके okay, तो थोड़ा कांपते हुए मैंने पूछा डरते हुए मैंने पूछा कि जो विच है वो मेरी इट्स मीन मैंने पूछा कि जो विच है वो खिड़की से मेरे पास तो नहीं आएगी ना इट्स मीन मैंने थोड़ा कांपते हुए पूछा रात में मेरी विंडो से मेरी खिड़की से कोई डाइन या चूल्हल नहीं आएगी ना है ना तो ये पूछता है बच्चा नो माई ग्रैंड मदर सेट माई मतलब ग्रैंड मदर ने कहा नहीं अः विच विल नेवर डू सी थिंग्स लाइक क्लाइंबिंग अप ग्रैंड पाइप्स और ब्रेकिंग इन टू पीपल्स हाउस यू will be quite safe in your bed. Come along. I shall tuck uh, I shall tuck you in. Okay. तो ग्रांड मदर कहती हैं कि जो विचेस होती हैं ना जो विच होती है एक चुड़ैल होती है एक डाइन होती है वो कभी भी सिली थिंग्स नहीं करती इट्स मीन कॉफ़ी वाले हरकतें नहीं करती ओके पूर्व कार्य नहीं करती कभी वो ड्रैन पाइप्स पे नहीं चढ़ती नालियों पे नहीं चढ़ती ओके okay. और न, कभी भी uh, वो लोगों के घरों को नहीं तोड़ती ओके okay. तो तुम ना यहाँ पे सेफ हो तो दादी माँ कह रही है कि वो मूर्खतापूर्वक कार्य नहीं करती हैं जो विचेस होती हैं डाइनिया जुलाल होती है आप अपने बिस्तर में बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे साथ में आओ आई सेल टक यू इन ये आर द मीन ऑफ टक दैट सुरक्षित स्थान में ओके okay, तो मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर रखूँगी क्लियर दिस आई हैव एक्सप्लेन ऑल दस ऑफ दिस स्टोरी ओके एंड आई होप यू मस्ट है स्टोरी ओके एंड आई लाइक दिस स्टोरी एंड आई होप यू

एक जासूस एक प्रसिद्ध लड़ाकू पायलट एक चॉकलेट एक इतिहासकारक और एक चिकित्सा द ऑथर ऑफ मेटिल द चाली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री एंड द बी एफ सी आई हैव रीड बी एफ सी एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बी एफ सी ओके रोल डायलैक्ट आई कैन सी दैट इट्स अ रियली वेरी गुड ऑथर ओके तो ये बहुत ही सच में अच्छे राइटर है बी एफ सी स्टोरी मैंने रीड की हुई है बहुत अच्छी है सच में तो जो हमारी जो ऑथर है रोअल टहल तो इन्होंने मेलिडा हो गया मेटिलडा हो गया चार्ली हो गई चॉकलेट फैक्ट्री हो गई बी हो गई इट्स मीन बिग फ्रेंडली गाइड ओके फुल फॉर्म ऑफ बी एफ सी इज़ बिग फ्रेंडली गड तो ये इन्होंने सारी बुक्स राइट की हुई है ये इनके ऑथर है लिखा कि ही हैज लेफ्ट अ ट्रेजरी ऑफ ओरिजिनल एंड फैंटेस्टिक चिल्ड्रन स्टोरीज फॉर एस ओके तो इन्होंने बहुत तो ही हमारे लिए खजाना तो या बोल सकते मूल तो और सादार बच्चों की कहानियाँ छोड़ी इन्होंने हमारे तो लिए खजाना या मूल और सादार बच्चों की

वर्ड मीनिंग अनियंत्रित होकर गलत रास्ते पे चले जाना उसे बोलते ओके स्ट एंड योर सेकेंड नंबर वर्ड इज रेवाइन द मीनिंग ऑफ रेवाइन इज डीप नैरो वैली स्टेप साइड इट्स मीन गहरी सकरी घाटी ओके स्टेप साइड्स के साथ ही और थर्ड नंबर वर्ड इज इंथ्रैलिड द मीनिंग ऑफ इंथ्रेलिड इट्स इंटरेस्टिंग सॉरी इंटरेस्टेड या अटेंटिव इट्स मीन रुचिकर या ध्यानपूर्वक ओके योर नेक्स्ट वर्ड इज तार एंड द मीनिंग ऑफ तार इज अ थिक ब्लैक स्टिकी लुकेट दैट बिकम्स हार्ड वेन कोल्ड ऑप्टेन फ्रॉम कोल्ड एंड इज यूज स्पेशली इन बैकिंग रोड्स ओके एक पतला काला स्टिकी तरल पदार्थ ओके जो कोयले से बनता है और ठंडी होने पर बहुत ही हार्ड कठोर हो जाता है और स्पेशली रोड के बन को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है रोड में बनाने के लिए उपयोग किया जाता है ओके एंड योर नेक्स्ट वर्ड इज ट्रीमैंड एंड द मीनिंग ऑफ ट्रीमैंड इज हगली ओके योर नेक्स्ट वर्ड इज क्राउज एंड द मीनिंग ऑफ क्राउज इज पुट द बॉडी क्लोज टू द ग्राउंड बाय बैंडिंग द लेग्स एंड हैड ओके अपनी बॉडी को ग्राउंड के क्लोज रखना एक बैंडिंग बनाना लेग्स और हेड के बीच में ओके योर नेक्स्ट वर्ड इज पैकुलियर एंड द मीनिंग ऑफ पैकुलियर इज स्टैच एंड फेमलियर और अ लिटिल सरप्राइजिंग इट्स मीन अजनबी अपरिषित या एक थोड़ा सा आश्चर्य कर देने वाला योर नेक्स्ट वर्ड इज ऑल पेंटिंग एंड द मीनिंग ऑफ ऑल पेंटिंग इज अ पिक्चर पेंटेड विथ ऑल पेंट्स एक तस्वीर जो ऑयल पेंट से पेंट की हुई हो ओके ऑयल पेंट से बनाई गई हो योर नेक्स्ट वर्ड इज कैनवाण्ड द मीनिंग ऑफ कैनवाज पीस ऑफ क्लोथ अ पेंटिंग इज मेड ऑन इट्स मीन कपड़े के टुकड़े पर पेंटिंग करना ओके पेंटिंग बनाना उसे बोलते हैं कैनवास योर नेक्स्ट वर्ड इज पैन एंड द मीनिंग ऑफ पैन इज अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड इन क्लोज बाई अर पैंस टू कीप फॉर्म एनिमल्स इन लैंड का एक छोटा सा टुकड़ा मीन की भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा जिसमें फॉर्म एनिमल्स को रखा जाता है योर नेक्स्ट वर्ड इज ग्राइंड एंड सॉरी ग्रेनाइट एंड द मीनिंग ऑफ ग्रेनाइट इज वेरी हार्ड ग्रे रॉक यूज इन बिल्डिंग बहुत ही कठोर ग्रे कलर का चट्टान जिसे बिल्डिंग बनाने के लिए इमारती बनाने इमारतों के बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है और नेक्स्ट वर्ड इज रिजॉर्ट एंड द मीनिंग ऑफ फिजॉर्ट इज नैरो एरिया ऑफ सी बिटवीन क्लिप्स इट्स मीन होता है सकरी छेद समुद्र के बीच में और एकप्स के बीच का सकरी छेद विकेट तो से डाट ऊँची चट्टानों के बीच समुद्र का सकरा छेद ओके ऊंची चट्टानों के बीच समुद्र का सकरा क्षेत्र से बोलते हैं फिजोर्ट यू नेक्स्ट वर्ड विच इज द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वर्ड मीनिंग इज परपोज एंड द मीनिंग ऑफ इज अ सी एनिमल दैट लुक सिमिलर टू अ डॉल्फिन एक समुद्री जानवर जो डॉल्फिन की तरह लगता है तो स्ट्रेंड आई एक्सप्लेन यू ऑल वर्ड्स मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर सेकंड एंड आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दिस वर्ड मीनिंग यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस वर्ड मीनिंग ओके टुडेस क्लास वर्क इज दैट नोट डाउन दिस वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर सेकंड इन योर फेयर इंग्लिश लिटरेचर नोटबुक इट्स अर टुडेस क्लास वर्क एंड योर होमवर्क इज दैट Learn word meaning of chapter second from your fair English literature notebook. It's a two days homework. So all students, firstly complete your classwork. Note down this word meaning of chapter second in your fair English literature notebook. It's a two days classwork. So all students, complete your classwork and send me your work here. Thank you.